आज काशी में हुंकार भरेंगी ममता बनर्जी। मोदी के गढ़ में दीदी दिखाएंगी दादागिरी। दीदी के आगमन के बाद से सियासी पारा हाई। बीजेपी वालों ने ममता बनर्जी का किया विरोध, तो ममता बनर्जी ने निकाल दी सबकी हेकड़ी। देखिए क्या है ममता बनर्जी का आज का प्लान। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मात्र अब दो चरण बचे हैं और इन दो चरणों में सियासी पारा और ज्यादा हाई दिख रहा है। ऊपर से पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सियासी हलचल और तेज कर दी है। ममता बनर्जी सपा के समर्थन में उत्तर प्रदेश आई हैं और बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी में सपा के उम्मीदवारों के लिए अब रैली करने वाली हैं, जिसके बाद तो सियासी पारा एकदम हाई दिखाई दे रहा है। कल जब ममता बनर्जी ने वाराणसी में एंट्री ली तो हिंदू युवा वाहिनी के नेताओं की तरफ से काले झंडे दिखाकर विरोध किया गया, लेकिन अब ममता बनर्जी आज सपा के समर्थन में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाली हैं और उनका दावा है कि बीजेपी उन्हें यह देखकर बौखला गई है और शेरनी को देख गीदड़ हंगामा कर रहे हैं, हार सामने देख खींच निकाल रहे हैं। गजब की बात यह है कि ममता बनर्जी ने वाराणसी में आते ही हर हर महादेव का नारा लगाया और जय हिंद के साथ जय यूपी भी कहा। ममता बनर्जी गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी के साथ संयुक्त रैली करेंगी। आरएलडी सुप्रीमो के इस रैली में शामिल होने से पार्टी में ताकत और दिखाई दे रही है। आरएलडी ने पश्चिमी यूपी से भी पदाधिकारियों को वाराणसी की रैली में शामिल होने के लिए निर्देश दिए हैं और हर हाल में रैली में शामिल होने की बात कही है। संयुक्त रैली को एड़े में आयोजित किया जाएगा। पार्टी ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ममता बनर्जी के दौरे के अलावा यहां पर पहले से ही समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार रणनीति बनाकर काम किया जा रहा है और समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि इस बार गठबंधन के सभी उम्मीदवार जीत दर्ज करेंगे और समाजवादी पार्टी का परचम लहराएंगे। समाजवादी पार्टी को ये भी उम्मीद है कि ममता बनर्जी और जयंत चौधरी के साथ जब संयुक्त रैली की जाएगी तो उसका असर अलग ही दिखेगा और उसके असर से समाजवादी पार्टी को बढ़त मिलेगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से कोशिश की जा रही है कि वो वाराणसी में अपना परचम लहराएं और मोदी के गढ़ में अपनी ताकत का एहसास करवाएं। इसी के चलते ममता बनर्जी भी वाराणसी के दौरे पर आई हैं और यहां पर समाजवादी पार्टी के लिए वो हुंकार आज भरने वाली हैं। देखना यह है कि ममता बनर्जी, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव जब मिलकर तीनों यहां पर संयुक्त रैली करेंगे तो उसका क्या असर दिखेगा और 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो वाराणसी की विधानसभा सीटों पर किसकी जीत का हल्ला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।